अभी किनको हटाया गया, किनको रखा गया, हम प्रधानमंत्री थोड़े हैं। प्रधानमंत्री की इच्छा, उन्होंने जिनको मन हुआ रखा, जिनको मन नहीं हुआ नहीं रखा। विपक्ष क्या कह रहा है इस विषय पर खास करके उसका कोई मतलब नहीं है। पार्टी का स्टैंड था, पार्टी ने अधिकृत किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला लिया, फैसला का कार्यान्वयन भी हो गया है और मामला समाप्त। मोदी कैबिनेट के विस्तार के बाद बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। बता दें कि आरजेडी लगातार जेडीयू पर ताने कस रही है और कह रही है कि बीजेपी कुछ दिनों के बाद जो है जेडीयू को पूरी तरीके से निगल जाएगी। जिस तरीके से जेडीयू लगातार मांग कर रही थी कि हमको 4 मंत्री का दर्जा चाहिए कैबिनेट में, लेकिन मिला सिर्फ 1। उसके बाद से जो है लगातार जातिवाद का भी आरोप लग रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। इसके एवज में आज मीडिया से बात करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जेडीयू में कहीं कुछ नाराजगी नहीं है। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं जेडीयू के। जब उनसे सवाल किया गया क्या कि आरसीपी सिंह अब मंत्री बन गए हैं तो क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे जेडीयू को, इस पर उन्होंने कहा कि आगे कोर कमेटी की बैठक होगी, उसमें जो निर्णय लिया जाएगा आप सबों के सामने होगी। क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, पहले आप सुने। विस्तार हो चुका है सर, बधाइयों का सिलसिला चल रहा है सर, क्या कहेंगे? केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, हो गया, तो रूटीन वर्क है। प्रधानमंत्री जी की इच्छा, उनका मन हुआ विस्तार करने का, जरूरत होगी उनका मन होगा तो फिर किसी दिन और विस्तार हो सकता है, तो जो रूटीन वर्क है इसमें क्या है। मगर आरजेडी कह रही है डिमांड था, लेकिन एक मंत्रालय में डिमांड तो आप लोग रख देते थे, कोई दिखाते थे 4, कोई 3, तो आप लोग दिखाते थे। क्या डिमांड था नहीं डिमांड था ये कहाँ किसको मालूम, पार्टी को मालूम था। भैया बधाई देने का एक ही माध्यम नहीं है कि ट्वीट कोई करे तो आप देखिए कि ट्वीट हुआ, माध्यम और भी बहुत सारा है। उन तमाम माध्यमों के बारे में जानकारी हमको आपको तो है नहीं, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने बधाई दी या नहीं दी ये कैसे सुनिश्चित हो। आखिर इसी फॉर्मूले पे जाना था सर, तो 2020 में जेडीयू क्यों नहीं गए मंत्रिमंडल में? या उस समय की स्थिति अलग थी, इस बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आरसीपी सिंह जी को पार्टी ने अधिकृत किया था कि आप फैसला लीजिए, उस अधिकार के तहत उन्होंने फैसला लिया, फैसला का कार्यान्वयन हो गया, अब तो विषय ही समाप्त हो गया। नीतीश कुमार जी को मंत्री पद कैसे दे सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए क्या आप अपने आप को देख रहे हैं? प्रसाद को हटा दिया भैया, अभी किनको हटाया गया, किनको रखा गया, हम प्रधानमंत्री थोड़े हैं। प्रधानमंत्री की इच्छा, उन्होंने जिनको मन हुआ रखा, जिनको मन नहीं हुआ नहीं रखा। परफॉर्मेंस को लेकर बात हो रही है कि परफॉर्मेंस अब एक बेस रखा गया है, 2 साल का परफॉर्मेंस देखा गया, मंत्रियों के कार्य सही नहीं होने या परफॉर्मेंस या क्या है कारण उसके पीछे, ये सब अनुमान के आधार पे। प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया है कि परफॉर्मेंस देखकर हमने हटाया या रखा, कोई आधिकारिक बयान किसी की ओर से आया है? अब अटकलबाजी है, अनुमान है, तो इस अनुमान को सत्य कैसे मान लिया जाए? आरजेडी ने जातिवाद का आरोप लगाया है। क्या होगी सर आगे? अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई चुनाव हो रहा है, अभी कोई चुनाव तो है नहीं, अरे वो अलग बात है, मंत्री बने हैं लेकिन कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं है, पार्टी का कोई अभी चुनाव नहीं है, इसलिए इस तरह का प्रश्न कहाँ उठता है। सर विपक्ष ये बातें कर रहे हैं कि एक सीट को लेकर नाराजगी चल रही है, ये सब समझा जाए कि जदयू में ऐसी कोई बात नहीं, एक सीट पे सभी? कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं सर, लेकिन जेडीयू से भैया नाम तो आप ही लोग सबका परोसते हैं और फिर आप ही लोग उसका खंडन करते हैं, इसलिए उसमें कोई मतलब। 19 में विपक्ष यही कह रहे कि 19 में दो लोगों के नाम नहीं होने के कारण मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए। विपक्ष क्या कह रहा है इस विषय पर खास करके उसका कोई मतलब नहीं है। पार्टी का स्टैंड था, पार्टी ने अधिकृत किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला लिया, फैसला का कार्यान्वयन भी हो गया है और मामला समाप्त। आरजेडी जातिवादी के आरोप लगा रही है। चलिए तो सुना आपने उपेंद्र कुशवाहा की बातों को, जो सीधे सीधे नकार रहे हैं कि जेडीयू में कहीं कुछ नाराजगी नहीं है, और कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार अपने कैबिनेट के विस्तार करते रहते हैं, अगर वो चाहेंगे तो आगे भी और विस्तार कर सकते हैं, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाराज होने के सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बधाई देने का एक जरिया सिर्फ ट्विटर नहीं है, और भी कई सारे माध्यम हैं, मुख्यमंत्री कहीं कोई उनको नाराजगी नहीं, वो ऑलरेडी बधाई दे चुके हैं आरसीपी सिंह को। तो लगातार जो है विपक्ष आरोप लगा रही थी, लेकिन जे मीडिया के सामने आकर के उपेंद्र कुशवाहा ने पूरी तरीके से सफाई दे दी है और कहा है कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है, ललन सिंह बिल्कुल ठीक है और
क्योंकि जब 2019 में कैबिनेट का विस्तार हो रहा था उस टाइम जो है एक सीट मिल रहा था जेडीयू को, लेकिन जेडीयू उस वक्त हिस्सेदारी नहीं ली थी। अब जो है लगातार चार सीट की चर्चाएं थी, लेकिन मिला है सिर्फ एक सीट। उसके ऊपर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मीडिया अपने आप से जो है चार सीट की खबरें चला रही थी, लेकिन इस पर जो है हमारे आला कमान का कोई फैसला नहीं हुआ है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।